जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, असाइनमेंट नंबर 79 का प्रिंट आउट लें, 79। देखो सबसे पहले फ्लक्स निकलेगा कैसे, फ्लक्स की वैल्यू बी ए कॉस थीटा किया हमने, फ्लक्स इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये भी पॉइंट क्लियर है। एंगल थीटा किसके किसके बीच में होता है बताओ, बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, और हम एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, याद रहेगा यहां तक, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। जैसे सपोज ये डायग्राम है, इसमें एक्सटर्नल बी वेक्टर राइट है, एरिया वेक्टर एन कैप राइट है, तो एंगल इनके बीच में क्या होगा, जीरो। बी वेक्टर और एन कैप एरिया वेक्टर है, जीरो। इसके अंदर बी वेक्टर राइट है, एन कैप एरिया वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, तो इसमें और इसमें फ्लक्स डिफरेंट होगा क्योंकि एंगल डिफरेंट है। तो ये दो डायग्राम आपको ये शो करके बता रहे हैं कि फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, चाहे आप बी को चेंज नहीं करें, ए को चेंज नहीं करें, लेकिन अगर आप ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक है यहां तक। जैसे यहां पर मतलब पहले दो डायग्राम ये शो कर रहे हैं कि फ्लक्स सिर्फ बी और एरिया पे ही डिपेंडेंट नहीं है, साथ में एंगल थीटा पे भी डिपेंडेंट है। इसमें फ्लक्स निकाल लें, बी कहां पर है, राइट, एरिया वेक्टर एन कैप कहां है, टुवर्ड्स राइट, एंगल दोनों वेक्टर के बीच में कितना, जीरो। तो फ्लक्स की वैल्यू बी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या है, वन बी इंटू ए। इसके अंदर देखें बी वेक्टर कहां है, राइट, एरिया वेक्टर कहां है, लेफ्ट, तो एंगल इनके बीच में 180, तो फ्लक्स की वैल्यू बी ए कॉस 180, कॉस 180 क्या है, माइनस वन, तो माइनस बी इंटू ए। नेक्स्ट, लेंस लॉ एंड एग्जाम्पल। तो ये शीट मैंने आपको दी जिसमें मैंने सारे जितने भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे वो कट कर करके लगा दिए, और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, मेंस नीट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं के ऊपर आता है। तो कुछ नहीं करेंगे, लेंस लॉ से सिर्फ डायरेक्शन देखेंगे, और वो माइनस साइन क्यों लगा उसके ऊपर ये पूरी शीट है, ताकि सिर्फ दो एग्जाम्पल से बात नहीं बनेगी ना, कम से कम 10-15 में लगा के देखें, तब समझ में आएगा कि लेंस लॉ लगता कैसे है, दो में क्या होता है। करें स्टार्ट। देखो देखो, फर्स्ट फिगर है, बताओ अगर नॉर्थ इस लूप के तरफ आएगा तो इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो इसमें करंट जनरेट होगा, तो ये वाला फेस कैसे एक्ट करेगा, लाइक नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ पास आ रहा है, तो हम अपना इन फिगर्स की जगह ना ये लेंगे, ये सामने लूप है, नॉर्थ पास आ रहा है, तो ये वाला फेस क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और अगर ये नॉर्थ होगा तो करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ मींस एंटी क्लॉकवाइज, साउथ मींस क्लॉकवाइज, ये रूल लगाने की जरूरत नहीं, इसमें नहीं चलेगा, सीधा वो रूल तब चलता है जब भी इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, मैग्नेट में नहीं चलता, मैग्नेट में नॉर्थ आ रहा है, यहां भी नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। ये याद रखना है कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो करंट यहां पर पक्का एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये सोलेनोइड में हमने किया था, ठीक हो गया यहां तक। फिर देखो, अगर मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा तो इसका फ्लक्स कम हो रहा है, तो अगर ये नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो ये पोल क्या डेवलप कर लेगा, साउथ, तो आपको करंट कैसे दिखेगा, क्लॉकवाइज, तो यहां पर क्लॉकवाइज, वहां पर एंटी क्लॉकवाइज। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, इसमें आ जाओ, और कोई कह रहा था ये क्या डॉट डॉट बना रखे हैं, मुझे नहीं पता, मेरे को यूज नहीं करने हैं, मुझे पता नहीं कि बुक ने क्यों बनाए, शायद ये शो करना चाहता है कि यहां पर लाइन ज्यादा जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक है, पर मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को वैसे आंसर पता लग रहे हैं तो मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है यहां तक, तो मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट है, जैसे सपोज ये मैग्नेट है,
मैग्नेट की वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो मूव ही नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, तो इसका फ्लक्स क्या होगा कॉइल का, फ्लक्स तो ना जीरो होगा, फ्लक्स तो होगा बी इंटू एरिया तो होगा, कॉन्स्टेंट होगा, फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, फ्लक्स तो होगा पर कॉन्स्टेंट होगा। और फैराडे ने क्या कहा था, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्स्टेंट है तो फिर कोई ईएमएफ नहीं, तो इसमें कोई करंट जनरेट नहीं होगा। क्लियर यहां तक, मूव ही नहीं कर रहा। फिर इधर देखो, मैग्नेट की वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, कॉन्स्टेंट। पर प्रॉब्लम क्या है, मैंने इस ट्रॉली को इसकी तरफ भेज दिया, मतलब इस बार क्या किया, मैग्नेट को तो रेस्ट पे रख दिया लेकिन कॉइल को इसके पास, एक ही बात है यार, तुम मैग्नेट को ही पास लाओ इससे अच्छा, तो तुम कॉइल को पास लाओ या मैग्नेट को पास लाओ, बात तो एक ही है। तो इसमें इस कॉइल का फ्लक्स बढ़ेगा, तो अगर नॉर्थ की तरफ ये कॉइल आ रहा है तो ये आना नहीं चाहता, आपने जबरदस्ती भेजा है, तो ये भी क्या डेवलप करेगा, नॉर्थ, ताकि इसको रिपेल कर सके क्योंकि इसका फ्लक्स बढ़ रहा है। नॉर्थ का मतलब करंट यहां से क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर यहां तक, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आना स्टार्ट होगा, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट में फिर देखो, इधर ये नॉर्थ पास आ रहा है तो ये फेस कौन सा होगा, नॉर्थ पीछे वाला साउथ, नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ बन के अपोज करेगा, तो इस तरफ से करंट कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ दूर जा रहा है तो साउथ क्लॉकवाइज कर लिया हमने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो जरा इसमें, इन दो क्वेश्चंस में आपको ये गिवन है कि करंट एक वायर में इंक्रीज हो रहा है, करंट एक वायर में इंक्रीज हो रहा है, यहां एक लूप पड़ा हुआ है जिसमें बिल्कुल भी करंट नहीं, आपको यह बताना है कि इसमें करंट अगर जनरेट हुआ तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या इसमें करंट जनरेट होगा, इंड्यूस करंट अपने आप, अच्छा क्यों होगा, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसमें करंट कहां जा रहा है, लेफ्ट, तो ये करंट कैरिंग वायर इसके सेंटर पे क्या जनरेट कर देगा, बी, तो इसके एक्सिस पे जो बी होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इनवर्ड्स। देखो थंब इधर, इनसाइड, इनवर्ड्स, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, अभी तो करंट इधर जा रहा है, बी इनसाइड इनवर्ड्स, बोलो बी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, इंक्रीज, क्योंकि बी का इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई डिवाइडेड बाय आर, अगर करंट बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक बात तो पक्की है कि अगर करंट यहां पर इंक्रीज हो रहा है, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं पहले, इंक्रीज हो रहा है, और चलो इसको करते हैं पहले, करंट इंक्रीज हो रहा है और बी इनसाइड इंक्रीज हो रहा है, अब इसके अंदर बी अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, अब कॉइल क्या कहते हैं, ऐसे कैसे इंक्रीज हो जाएगा, अगर आप मेरा बी इस वायर के थ्रू अंदर इंक्रीज करोगे तो मैं अपना बी कैसे लूंगा बाहर, और अगर मैं बाहर लूंगा अपना बी तो मुझे करंट कैसे घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन अलग है, प्लीज इसको बाद में करेंगे, ये अलग क्वेश्चन बनाया मैंने, उसको नहीं देखना, इसको देखना है। तो रिपीट करता हूं, करंट यहां इंक्रीज हो रहा है तो बी यहां अंदर की तरफ इंक्रीज होगा, कॉइल अपना बी अंदर की तरफ इंक्रीज नहीं होने देगा, जिसको अपोज करने के लिए अपना बी वो कैसे रखेगा बाहर, करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर रिपीट करता हूं, इसमें करंट इस तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज, और अगर करंट यहां डिक्रीज हो रहा है तो इसके सेंटर पे बी कहां होगा, इनवर्ड, और क्या इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज, अगर अंदर की तरफ बी डिक्रीज हो रहा है तो कॉइल कहता है मेरा बी डिक्रीज कैसे हो रहा है, मैं क्या करूंगा इसे इंक्रीज, इंक्रीज करने के लिए अपना फील्ड भी बोर्ड के इनसाइड, और अगर अपना फील्ड भी बोर्ड के इनसाइड तो करंट कैसे होगा, क्लॉकवाइज। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो पहले इसका देखते हैं, बी इनसाइड डिक्रीज हो रहा है, बी इनसाइड डिक्रीज हो रहा है तो ये कहते हैं अंदर जा रहा है बी एक्सटर्नल, और वो भी डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीज नहीं होने देगा, ये अपना बी भी बोर्ड के अंदर करेगा, और करंट कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। फिर देखो अगर इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज है, इधर देखो करंट इधर है तो इसके सेंटर पे बी कहां होगा, आउटसाइड,
और क्योंकि करंट इंक्रीज है तो बी भी इंक्रीज है। अगर बी इंक्रीज है, अगर बी इधर इंक्रीज है तो क्वाइल कहेगा मेरा बी इंक्रीज कैसे हो रहा है, मैं अपोज करूंगा, तो क्वाइल अपना बी कैसे कर लेगा, इनसाइड, क्योंकि आपने आउटसाइड इंक्रीज किया, क्वाइल इनसाइड कर लेगा, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, फिर से क्लॉकवाइज। तो आपको हर ऐसे क्वेश्चन में एक लॉजिक लगाना है, आपको बस ये देखना है कि जो ऊपर लूप पड़ा है उसका भी अगर अंदर इंक्रीज हो रहा है तो ये ऐसे कर लेगा, अगर अंदर डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे ही रखेगा ताकि बढ़ जाए। तो उसके हिसाब से आप थंब रख रख के करंट की डायरेक्शन देखेंगे। कोई डाउट है इसमें त्रिवेद? कोई डाउट? ठीक। सो इसके बाद ये तो इजी है, अगर मैग्नेट का नॉर्थ इसके पास आ रहा है तो ये क्या डेवलप करेगा, नॉर्थ और पीछे की तरफ साउथ, और अगर ये नॉर्थ इस सोलेनोइड के पास आ रहा है तो ये वाला फेस नॉर्थ और ये वाला साउथ, समझ में आ रहे हैं डायरेक्शंस। और इस तरफ से अगर नॉर्थ है तो जो लोग यहां से देखेंगे तो करंट उनको कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉक, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखना कहां से है, यहां से नहीं देखना, मैग्नेट की तरफ से देखना है, तो मैग्नेट की तरफ से क्या देखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, पहले इस को देखते हैं। इसके अंदर सपोज एक सोलेनोइड है, आपने क्या किया, आपने इसके अंदर करंट को नहीं, आपने स्विच ऑन किया, इसे स्विच ऑन किया, जैसे ही आपने इसे स्विच ऑन किया करंट एकदम इसमें इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ जीरो से लेके मान लो 5 एम्पियर इंक्रीज हुआ, तो एकदम तो इंक्रीज नहीं हुआ, टाइम लेगा 0 से 5 एम्पियर होने में, तो बी इसके एक्सिस पे इंक्रीज होगा, राइट? तो ऑब्वियसली इसका बी 0 से 5, बी क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, करंट अगर इंक्रीज हो रहा है जब तक स्टेडी करंट नहीं आ जाता तब तक बी इंक्रीज होगा, और मान लो ये काफी नजदीक है इसके, और ये ना बड़े गलत से डायग्राम है बुक्स में, डायग्राम ऐसे, ऐसे ऐसे क्या करना हमने, ये लूप ऐसे पड़ा है, ये लूप ऐसे पड़ा है, राइट? तो आप ये देखो कि अगर इसका बी इस तरफ इंक्रीज हो रहा है इसके एक्सिस पे, तो ये नहीं चाहेगा इंक्रीज हो, तो बेसिकली क्या करेगा, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो ये भी यहां साउथ डेवलप कर लेगा ताकि इस तरफ इंक्रीजिंग बी को अपोज कर सके, और साउथ साउथ आपस में रिपेल करेंगे और ये रिंग इज फ्री टू मूव, तो रिंग थोड़ी सी दूर भाग जाएगी। तो जब आप इसका फ्लक्स बढ़ाएंगे या करंट बढ़ाएंगे इसका बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा इसका फ्लक्स बढ़ेगा, इसका फ्लक्स बढ़ेगा, ये नहीं चाहता फ्लक्स बढ़े, ये दूर चला जाएगा। लेकिन जब आप इसको ऑफ करेंगे, मान लो उल्टा है, करंट इसमें चल रहा था, आपने करंट को बंद कर दिया, करंट बंद करने का मतलब यहां के बी को कम किया, तो लूप अपने आप ही इसके पास आने की कोशिश करेगी ताकि अपने फ्लक्स को इंक्रीज कर सके। तो डिपेंड करेगा, अगर आपने ऑन किया, फ्लक्स एकदम इंक्रीज किया, तो पास पड़ी हुई लूप दूर ही भागेगी अपने फ्लक्स को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। क्लियर है यहां तक? पर डायग्राम अच्छा नहीं है, हमेशा की तरह वही सेम प्रॉब्लम है, ऐसे लूप की बजाय ये ऐसे लूप है, ओवल होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये मैग्नेट और ये मैग्नेट, एक दूर जा रही है एक पास आ रही है, इसका नॉर्थ पास आ रहा है फ्लक्स बढ़ाएगा, इसका नॉर्थ दूर जा रहा है फ्लक्स कम करेगा। तो अगर ये वी वेलोसिटी से पास आ रही है, ये वी वेलोसिटी से दूर जा रही है, तो जितना ये फ्लक्स बढ़ाएगा उतना ही ये फ्लक्स कम कर देगा। लूप के हाथ क्या आया, कुछ भी नहीं, वो यहां से इंक्रीज कर रहा है वहां से डिक्रीज होता जा रहा है, तो नेट चेंज इन फ्लक्स कितना, जीरो, इसलिए इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक, अगर अनइक्वल स्पीड होती फिर होता, लेकिन इक्वल स्पीड में नहीं होगा क्योंकि नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। कोई डाउट इसमें? तो नेगेटिव साइंस समझ में आ रहा है, ऑपोजिशंस कैसे शो करनी है इसमें? जैसे सपोज यहां पर दो लूप्स पड़ी हुई हैं, ये दो लूप्स, इसमें कोई करंट नहीं था,
इसमें कोई भी करंट नहीं था, इसमें आपने करंट को क्या की, इसमें रेजिस्टेंस को क्या करना शुरू कर दिया, डिक्रीज। स्टेडी करंट था, कांस्टेंट करंट था, पर जब रेजिस्टेंस कम होगी तो इसमें करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया। जब करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो इसके सेंटर पे भी इंक्रीज होगा, कहां, बाहर। करंट ऐसे घूम रहा है तो बी वेक्टर बाहर है, और करंट क्योंकि इसमें इंक्रीज हो रहा है तो बी वेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ये काफी क्लोज पड़ी हुई है वैसे बता दूं, तो ये चाहेगा कि इसका बी इंक्रीज ना हो, तो ये क्या करेगा, अपना बी इनसाइड करके करंट को उल्टी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा ताकि इसके अफेक्ट को क्या कर सके, कैंसल। क्लियर है यहां तक? तो इसका बी आउटसाइड है और इंक्रीज हो रहा है, तो इसका भी इनसाइड होगा और करंट क्लॉकवाइज होगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? इसमें इसमें ना करंट कांस्टेंट था, रेजिस्टेंस वेरिएबल है, और आपने कम करनी शुरू कर दी, क्वेश्चन में गिवन है। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट बढ़ जाता है, तो इसका करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो इसके सेंटर पे बी बाहर की तरफ है, बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो ये खाली बैठा था, इसमें कोई करंट नहीं है, ये अपने अंदर करंट जनरेट कर लेगा, ताकि अगर इसका बी बढ़ रहा है तो ये अपना बी इनसाइड कर लेगा ताकि क्या हो जाए, इसके बी को कुछ कम कर सके। तो करंट कैसे होगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस प्रोसेस को वैसे म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, हम आने वाले टाइम में भी सीखेंगे एक दो लेक्चर के बाद, लेकिन वो एग्जैक्टली ऐसी नहीं होती, थोड़ी सी और जो है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक टर्न यूज किया, वैसे बहुत ज्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना पड़ता है इसके सेंटर पे, ताकि इसका असर सिर्फ यही ना हो, इसके साथ भी हो जाए, तो ये काफी क्लोज रखने पड़ते हैं, नजदीक रखने पड़ते हैं, ठीक। पर हाँ, कॉन्सेप्ट समझने के लिए सफिशियंट है, कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अभी लगा तो कहीं नहीं रहे, तो इसके लिए सफिशियंट है। कोई डाउट इसमें? जैसे सपोज इसमें ये मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, ये राइट जा रहा है, जब ये राइट जाएगा साउथ पास जाएगा तो यहां ऑपोजिट साउथ ताकि रिपल्शन मिले, और इसका नॉर्थ दूर जा रहा है तो इसे अट्रैक्ट करने के लिए क्या डेवलप करेगा, साउथ। पोल्स क्लियर है यहां पर? आपको ये बताना है, अगर नॉर्थ साउथ बताना हो वो सबसे आसान काम है। प्रॉब्लम ये है कि डायग्राम 3D में और ऐसा लगता है कि ऐसे बना हुआ है, आपको बताना है कि करंट डी से सी होगा या बी से ए होगा, कहां होगा, ठीक। इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, जहां लोग कंफ्यूज भी होते हैं और गलत भी हो जाता है। अगर मान लो एक मिनट के लिए ये सोलेनोइड है, और नंबर ऑफ टर्न, ये सोलेनोइड आपकी तरफ जा रहा है, मेरे को इस एंड पर करंट सोलेनोइड में क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो आपकी तरफ से क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अब अगर तो मैं यहां से खड़े होकर आंसर देता हूं, फिर तो मैं बोलूंगा क्लॉकवाइज, लेकिन अगर मैं यहां से खड़े होकर आपकी तरफ आंसर देता हूं तो क्या बोलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि आप किस तरफ से आंसर देते हैं, आपके आंसर चेंज होंगे, राइट। तो अगर इस सोलेनोइड को कोई यहां से खड़े होकर आंसर देता है, उसका आंसर डिफरेंट आएगा, और अगर सोलेनोइड के यहां से खड़े होकर आंसर देगा, उसका आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि उसको तो यहां से साउथ नजर आएगा और यहां वाले स्टूडेंट को क्या नजर आ रहा है, नॉर्थ, राइट। तो वैसे तो कई क्वेश्चन में गिवन ही होता है फ्रॉम द साइड ऑफ मैग्नेट बताओ आंसर, नहीं भी गिवन आप प्लीज मैग्नेट के फ्रेम में अपना आंसर देंगे, मैग्नेट पे बैठ जाएं जाके और मैग्नेट पे बैठ के आंसर दें, तो मैग्नेट पे बैठ के देखो आपको क्या नजर आएगा। जब आप इधर मुंह घुमाओगे तो आपको ये टर्न दिखाई देगा, इसमें साउथ दिखाई देगा, तो साउथ में करंट क्लॉकवाइज, 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 डी से लेके सी, तो करंट डी से लेके सी। कोई डाउट इसमें? ठीक, यहां से खड़े हो जाएगा क्लॉकवाइज, ऐसे जाएगा ना, जाता गया डी से लेके सी, क्लियर है? ठीक, इधर आ जाओ मैग्नेट पे बैठ के, अब अपना आपने भी टर्न ले लिया, पहले आप इधर देख रहे हो, अब आप इधर देख रहे हो, कोई बात नहीं, जैसा दिखे, ये रहा लूप, एक लूप लो, फिर से आपको यहां क्या देखना है, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये कौन सा पोल है, साउथ, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज। अब देखो क्लॉकवाइज कैसे दिखेगा, ये लूप देख रहे हो एक, ये रहा क्लॉकवाइज, तो फिर से लेके बी से लेके ए, क्लॉकवाइज, 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 और बी से लेके ए, चेक करो, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो मैग्नेट पे फ्रेम में आंसर देना है,
चाहे लेफ्ट देखो चाहे राइट देखो, चेक कर लो। देखो फिर देखो, यहाँ पे खड़े होके ये लूप देखना प्लीज, इस लूप को ना, ये ऐसे जा रहा है ना लूप, टर्न्स ऐसे हैं, 3D है, ये बाहर निकाल लूँ, ये रहा गया क्लॉकवाइज, साउथ पोल का मतलब क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो इसमें जब क्लॉकवाइज आएगा, ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, आगे जाएगा ना, पीछे क्यों आएगा, क्लॉकवाइज तो आगे जाता जा रहा है देखो, तो कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, डी, डी से घूम के वापस कहाँ जाऊंगा, सी, केस क्लोज। अब इधर आ जाओ, इस लूप को देखें, अब वहां से टर्न्स घूम घूम के मेरी तरफ आ रहे हैं, आखिरी लूप बाहर निकाल लूं, ये ना साउथ पोल की वजह से मुझे कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब वहां से किसी को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तभी मेरे को क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो करंट यहां से एंटी क्लॉकवाइज मीन इस तरफ से तो क्लॉकवाइज दिखेगा, हर लूप में क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, ये लो बी से लेके मैं मैग्नेट से लास्ट में क्यों दिखूंगा, दिखा देता हूं, ये लो, यहां से खड़े होके आखिरी लूप ये रहा ना, ये लो बाहर आ गया, इसको नहीं देखूंगा, ये लूप नहीं है, खुली वायर है, लूप को देखूंगा, गोल लूप को देखना पड़ेगा, गोल लूप में तो हर में क्लॉकवाइज है, वो तो इसमें भी क्लॉकवाइज है, ये देखो यहां से देखो क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, लूप को देखना है प्लीज, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लूप को लूप ऐसे खुली वायर को मत देखना, अच्छा ऐसे तो बिल्कुल ना देखना कि ये क्लॉकवाइज है ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे नहीं है, लूप लूप को देखना है, एक लूप बाहर निकालो फिर देखो क्या दिखेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। और देखते हैं जैसे नीचे वाला क्वेश्चन है, वैसे एक बात बताऊं, ऊपर वाले से बेटर डायग्राम नीचे से ही बना हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा क्लियर है, देखो बाहर की तरफ आ रहा है लूप, तो इसके अंदर मैग्नेट का साउथ जा रहा है तो ऑपोजिट साउथ, और नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये भी साउथ, तो इसमें तो नॉर्थ साउथ ही बताना है। वैसे अगर साउथ दिखेगा तो यहां से क्लॉकवाइज, यहां से साउथ दिखेगा यहां से भी क्लॉकवाइज, तो आपको साउथ नॉर्थ तो बताना इजी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताना मुश्किल है। पहले वाला क्वेश्चन फिर से देखो, साउथ इधर साउथ दिख रहा है, एक लूप को ना यार बाहर निकाल ले, ये रहा लूप गोल, ये आ गया बाहर, बोल तेरे को करंट कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, यहां से शुरू करेंगे क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, ठीक, इसको बाहर निकाल दे, ठीक, क्योंकि अब लूप यहां से घूम के आ रहा है, तो अब क्लॉकवाइज अगर होगा तो ऐसे दिखेगा क्लॉकवाइज, इस लूप को देखना है, जिसको मर्जी देख ले वैसे, तो क्लॉकवाइज 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 और ऐसे, ठीक।
देखो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं प्लीज, इधर देखो। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप डिस्कस करेंगे। देखो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट, एक कंडक्टर या कंडक्टिंग रॉड, ये रही, इसको मैं आगे मूव करवा रहा हूं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ठीक, एक कंडक्टिंग रॉड को मैं मूव करवा रहा हूं टूवर्ड्स राइट जहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ठीक, आगे अब इसके अंदर आपको यह बताना है कि करंट इंड्यूस होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा, और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहां होगी। ठीक, तो पहली चीज, जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाओगे तो क्यों करंट जनरेट होगा उसका रीजन सुन लो। जब एक रॉड मूव करवाओगे टुवर्ड्स राइट, इस रॉड में क्या प्रेजेंट होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे रॉड के अंदर, कहां करेंगे? जहां रॉड जाएगी। रॉड कहां जाएगी? राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स को कहां मूव करना पड़ेगा? टुवर्ड्स राइट, है तो रॉड के अंदर ही, बाहर तो आ नहीं सकते। तो सारे इलेक्ट्रॉन रॉड में राइट की तरफ जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो लास्ट चैप्टर याद करो, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बी क्यू वी साइन 90, राइट, बी क्यू वी साइन 90। ध्यान आगे प्लीज। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कोई कहता रैंडम मोशन में होंगे, देखो चाहे जहां मर्जी हो कंडक्टर के साथ तो मूव करना ही पड़ेगा। फोर्स की डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल पे कैसे पता लगती है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बी कहां पर है? बाहर, बी बाहर। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? राइट पर। हम सेंट्रल फिंगर को इलेक्ट्रॉन की तरफ तो लेते नहीं, ऑपोजिट लेंगे, क्योंकि इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन उल्टी लेंगे, तो फोर्स कहां लगेगी? अपवर्ड्स, राइट। तो बी कैसे है? बाहर। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है? इस तरफ पर। हम सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो फोर्स ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगी? ऊपर। एक नहीं होंगे, कई होंगे, तो कई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ऊपर इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए, तो ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। और नीचे क्या हो गई? डेफिशिएंसी। तो नीचे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया इस रॉड के दो एंड के अक्रॉस, और यह तब तक रहेगा, इलेक्ट्रॉन को यहां रहना पड़ेगा जब तक आप रॉड को क्या करवाते जा रहे हो? मूव। जैसे ही आपने रोक दिया, इन इलेक्ट्रॉन्स पे ऊपर की तरफ फोर्स लगनी बंद हो गई, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे अपने डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए? नीचे। और ये न्यूट्रल हो जाएगी फिर रॉड, यानी कि फैराडे ने ठीक कहा था, जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब तक आप मूव करवा रहे हो, तब तक तो ईएमएफ रहेगी, और जहां आपने रोक लिया वहां कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं रहेगा, ये तो जबरदस्ती हमने फोर्स की वजह से वहां रुके हुए हैं, वो फोर्स लगनी बंद हो गई, ये नीचे आ जाएंगे। क्लियर यहां तक? तो ये स्टेप समझ में आया कि ईएमएफ डेवलप होगी। दूसरा पॉइंट, अब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर इकट्ठे हो रहे थे तो शुरू शुरू में इलेक्ट्रॉन कहां गए? नीचे से ऊपर, इंपॉर्टेंट है, नीचे से ऊपर। तो इंड्यूस करंट कहां पैदा हुआ, जनरेट हुआ? ऊपर से नीचे। तो इंड्यूस करंट नीचे, करंट की डायरेक्शन समझ में आई? इंड्यूस करंट नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां मूव किए? ऊपर, राइट। तो हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, क्लियर है? आज के बाद अगर ये कंडक्टर मूव करने को आए और मैं आपसे इंड्यूस करंट पूछूं तो लगा लोगे सारा रूल? ठीक, इस चीज को एक साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने आसान कर दिया। वो कहता है यार बड़ा लंबा काम है, पहले रॉड मूव करवाओ, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को देखो,
फिर डिस्कस करो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया नीचे गया फिर उसके ऑपोजिट करंट बताओ। कह रहा है सब छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन को तो देखने की भी जरूरत नहीं। आप फ्लेमिंग का राइट हैंड लगाओ। राइट हैंड रूल क्या कहते हैं फ्लेमिंग का, ये नया रूल है, ध्यान से देखना है। पर मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं, ये रूल पिछले रूल में मिक्स नहीं होना चाहिए। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है हमने पिछले चैप्टर में किया, वो फोर्स के लिए, चार्ज पार्टिकल या करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कहां लगती है इसके लिए। राइट हैंड रूल सिर्फ एक ही जगह लगता है और कहीं नहीं लगता। राइट हैंड रूल क्या निकालता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक, हालांकि इसकी बारी नहीं आई अभी, बट क्योंकि ये लंबा लंबा तरीका डिस्कस कर रहा है तो मैं छोटे तरीके से करता हूं। सेम कंडक्टर है, वही सेम मैग्नेटिक फील्ड है, चलो ऐसे ले लेते हैं डॉट, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, रॉड कहां मूव कर रही है, राइट। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये कहता है कि आप राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर बी की तरफ रिप्रेजेंट करवाओ। पी, बी कहां पर है, बाहर। थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर मूव कहां कर रहा है, कहां कर रहा है, राइट। तो बी कहां है, बाहर। कंडक्टर कहां मूव कर रहा है, राइट। तो सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट कहां है, नीचे। तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर में नहीं पड़ना फ्लेमिंग कहता है, सीधा लगाओ रूल, बी बी बाहर, मोशन ऑफ कंडक्टर ये रहा, वी ये रहा, वेलोसिटी का मतलब मोशन, कंडक्टर राइट नहीं है, मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर कहां मूव कर रहा है, कंडक्टर राइट मूव कर रहा है, तो थंब राइट है, बी बाहर है, थंब राइट है, इंड्यूस करंट नीचे है, तो सीधा इंड्यूस करंट जो है वो नीचे है। स्टेप समझ में आया यहां तक, ठीक, राइट हैंड के साथ करना है, राइट। तो दो टेक्निक्स हैं इसका मतलब करंट की डायरेक्शन निकालने की, इंड्यूस करंट, पहली टेक्निक तो पुराना चैप्टर लॉरेंट्स फोर्स वाली, और दूसरा फ्लेमिंग का रूल वाला, और मुझे ऐसा लगता है फ्लेमिंग का रूल ज्यादा बेटर है। तो हम आज ये रूल फर्स्ट और लास्ट टाइम करेंगे, उसके बाद तो हम सीधा शॉर्टकट ही लगाएंगे, फ्लेमिंग का रूल ही लगाएंगे टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कोई डाउट इस रूल का फायदा, कॉन्सेप्ट पता लगा कि करंट कैसे जनरेट हुआ, जो तू शुरू में पूछ रहा था, तूने पूछा करंट कैसे जनरेट हो गया, देख ऐसे जनरेट हुआ, चेंज इन फ्लक्स से वो फोर्स एक्सपीरियंस कर जाएगा। एक बहुत स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी नीट मेंस हर जगह आ चुका है, वो ये क्वेश्चन है, लेफ्ट वाला जो मैंने एंड में छोड़ा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। वो कहेगा कि नॉर्थ पोल पास आ रहा है, सामने एक लूप पड़ा हुआ है, बीच में दो प्लेट्स हैं, क्योंकि नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, पीछे वाला साउथ, इधर से करंट कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट होगा। आपको बस ये बताना है कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव हो जाएगी, प्लेट इंड्यूस करंट कौन सा चार्ज प्रोड्यूस कर देगा किस प्लेट पे, ये क्वेश्चन है। ठीक, दो चीजें हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना है इसको, तभी एंड में रखा है। पहला रूल, अगर आप रॉड पे वापस जाओ जो अभी किया, आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन ये पहले क्यों किया, अगर आप ध्यान से देखें
तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहां से कहां आई, इलेक्ट्रॉन कहां गए, ऊपर, इंड्यूस करंट कहां आया, नीचे, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पहला रूल क्लियर है। जबकि डीसी करंट जब बैटरी से निकलता था तो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे जाता है, क्यों, क्योंकि बैटरी ऑफ होती है, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब है एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको पहले से ही बैटरी में हमने बांध के रखा हुआ है, आपने ऑन किया वो इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव की डेफिशिएंसी पूरा करते जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इलेक्ट्रॉन खुद ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता जाता है, उसमें हुआ होता है, इसमें वो खुद करता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, एक जगह डेफिशिएंसी करते हैं, फिर करंट जब इकट्ठे हो रहे हैं ऊपर की तरफ तो करंट ऑपोजिट जनरेट हो रहे हैं, राइट। तो इंड्यूस करंट हमेशा उल्टा मिलेगा आपको, नेगेटिव से पॉजिटिव, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। अब इस रूल को लगाएं, इस रूल से ही तो पता लगेगा कि कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि हम अगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जानते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव है तो हम प्लेट के ऊपर डिसीजन कर सकते हैं नेगेटिव है या पॉजिटिव है। करें, इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि देखने में कईयों को लगता है ये वाली साइड बाहर है और ये वाली साइड पीछे है, कईयों को लगता है ये वाली साइड आगे है तो ये वाली साइड पीछे है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, जैसे मर्जी कर दो तो फर्क तो पड़ता है, पोलैरिटी उल्टी आ जाएगी, तो इसलिए ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि कैपेसिटर बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, राइट। ठीक, मैं दोनों केस पहले डिस्कस कर दूं। अगर अगर कोई ये माने कि ये कैपेसिटर अंदर की तरफ है, ठीक, जैसे ये पेन देना, मार्कर दे दो, जैसे सपोज ये प्लेट है, इधर देखो ये लूप है, ये लूप है, इमेजिन करो ये कैपेसिटर है, ठीक, या ये दो प्लेट्स हैं, या हो सकता है कोई ये सोचता हो कि प्लेट्स पीछे हैं और वायर आगे है, दोनों केस डिस्कस करते हैं। अगर मैं ये डिस्कस करूं या ये सोचूं कि कैपेसिटर की कैपेसिटर ऐसे है, ये डायग्राम ऐसे है, ये पीछे और ये आगे है, मुझे ये तो समझ में आता है कि नॉर्थ पोल है, नॉर्थ का मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा, ये तो समझ में आता है एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहां से स्टार्ट होके यहां पे ये रहा, तो ये प्लेट नेगेटिव और ये प्लेट पॉजिटिव, तो नीचे वाली प्लेट नेगेटिव से पॉजिटिव, कोई डाउट इसमें, तो ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी नेगेटिव और ये वाली क्या हो जाएगी पॉजिटिव, समझ में आ रहा है, रिपीट कर रहा हूं, नॉर्थ पास आ रहा है तो ये नॉर्थ है, ये दिखता है ये नॉर्थ है, ये वाला फेस नॉर्थ है और ये दिख रहा है इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। अगर ये प्लेट को मैं यहां लेता हूं, ठीक, तो करंट एक प्लेट से स्टार्ट हुआ दूसरी प्लेट पे एंड होगा, यही होता है ना रूल, तो कौन सी प्लेट से स्टार्ट करें एंटी क्लॉकवाइज के लिए, नीचे से, बीच में तो हवा है यार, नीचे से कैसे करेंगे, बीच में से कैसे करेंगे, यहां से स्टार्ट होके यहां पे, तो यहां से स्टार्ट हुआ नेगेटिव और इंड्यूस करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव है, पहला आंसर मिल गया। पर लेकिन अगर कोई ये कहता है कि कैपेसिटर की प्लेट तो ये रही और करंट कैसे है एंटी क्लॉकवाइज, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, दोनों आंसर बन जाते हैं, राइट, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक। तो ये इसकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि ये प्लेट्स अंदर है या ये प्लेट्स बाहर है, रूल लगाना आ गया, अगर इनसाइड होगा तो क्या होगा, आउटसाइड होगा तो क्या होगा, कोई डाउट इसमें, आप इसमें इसे माने इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, लिखे डायग्राम के ऊपर, मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें ये कैसे है प्लेट्स इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर और ये क्या, ये वायर कहां है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक। वैसे अगर आप ये पूछो सर आपको कैसे पता लगा, मैंने कुछ भी एक केस एज्यूम कर लिया और ज्यादा ही रेफर करने के लिए मैंने एनसीईआरटी की बुक रेफर कर ली जहां से क्वेश्चन बना हुआ है, उन्होंने इसको इनसाइड लिया हुआ है, बट मुझे नहीं पता वो क्यों लिया, और ऑब्वियसली जैसे उन्होंने लिया हमने भी वैसे ले लिया, वैसे पूछने वाले को देना चाहिए इनसाइड या आउटसाइड, तो इसमें प्लीज मैंने इनसाइड लेके किया है,
लेकिन वो आउटसाइड देता तो आपका आंसर चेंज हो सकता था। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो प्लीज इसे इनसाइड लिखें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसमें करंट कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज है, ये प्लेट है, ये आउटसाइड है, इनसाइड है, तो प्लेट बाहर ली, ये अंदर है, तो एंटी क्लॉकवाइज में करंट ऐसे जाएगा, या एक प्लेट से स्टार्ट होकर दूसरी प्लेट, इंड्यूस करंट नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर ले, करंट कैसे जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, यहां से स्टार्ट होके यहां पे, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक, दोनों में से कोई भी केस है, बट इसके अंदर मैंने इनसाइड लिया तो इनसाइड के हिसाब से आंसर दिया। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो अगर पेपर में आएगा प्लीज आप इसे इनसाइड लेके ही सॉल्व करना, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में इनसाइड लेके ही सॉल्व किया हुआ है। फिर सेम क्वेश्चन मैंने ये रेफरेंस बुक से लिया, ये लो, सेम ही तो है, फिर वही सेम प्रॉब्लम, ये साउथ है तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ है, कैपेसिटर का मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, अगेन सेम प्रॉब्लम, लेकिन उसने कहा अपना आंसर कहां से देना है, सी फ्रॉम दी राइट साइड, तो राइट साइड से देख लेते हैं क्या दिक्कत है। राइट साइड से देखने में क्या होगा, ये लो, तो मेरे को कौन सा पोल दिखेगा? साउथ, साउथ का मतलब करंट क्लॉकवाइज। शुरू करें, मैं फिर से एक बार इस कैपेसिटर को पीछे लेता हूं, यहां पर पीछे लेता हूं, क्लॉकवाइज का मतलब करंट नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नीचे वाली प्लेट नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तभी तो बनेगा क्लॉकवाइज। तो इसमें भी लिख लेना, दिस इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, कैपेसिटर इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, लिख लेना, दीज प्लेट्स आर इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर।